तो चलिए जयपुर से आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। अवैध हथियार सप्लाई करने वाली गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बगरू थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। साथ ही डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर जानकारी दे रही हैं। इसमें एक पूरे गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बलराम जाट और गोपाल जाट को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 1 मार्च से ही बगरू थाने ने अपने थाने के क्षेत्र के अंदर जो लोग निवासी थे, जो आर्म्स एक्ट में पूर्व में चालान शुदा थे, उनकी लिस्टिंग करके थाने की स्पेशल थाने के बीट कॉन्स्टेबल्स, जो आजकल मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत हर नुक्कड़ हर मोहल्ले में पहुंच रहे हैं, उन सभी के पास अपने बीट वाइज ये लिस्ट थी और वे सभी लोगों से बात करके इनके बारे में पता कर रहे थे कि आजकल ये किस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। इसी के क्रम में 13 तारीख को बगरू में एक फायरिंग की वारदात हुई। उस वारदात में भी इस बलराम नाम के व्यक्ति का नाम आया कि इसके द्वारा ही फायरिंग की घटना की गई है। फिर इसी क्रम में उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और जो पूर्व में इसके पर निगरानी रख के सूचना का संलग्न किया गया था, उस सूचना के आधार पर इसके घर में जाके सर्च की गई, जिसको पहले उसके पिता ने माता पिता ने रजिस्ट भी किया, परंतु पुलिस के द्वारा एक पूरी रात लगा के वहाँ पर सघन रूप से सर्चिंग की गई तो उसके घर के पीछे जो उनका कब्जे कास्त उनका मैदान था, इनका मकान एक ओपन एरिया में बना हुआ है, बेगसमिन की एक ढानी है उसमें बना हुआ है, उस मकान के अंदर जमीन में गाड़कर इन्होंने हथियार को छुपाया हुआ था। एक बाल्टी में काफ़ी हथियार और कारतूस भर के जमीन में गाड़े हुए थे, जो इनके पिता के और पुत्र दोनों की निशानदेही पर जब्त किए गए हैं। इनके पास से टोटल 7 पिस्टल और 19 कारतूस